लगते भी इसमें ही हैं। और मैंने बनाया स्टोन माइनिंग और पेड़ काटने का। ये इधर क्या कर रहा है, फंस गया है क्या? तो मैं इसको उठा लेता हूँ। भूखा है तो सोने दो। इसको मैंने कहाँ से लेके आया था, मैं इसने इसको जेल से छुड़ाया था। इधर पे एक जेल था, इसको पैक कैद करके रखा था मैंने, यहाँ से इसको छुड़ाया। और ये वुडन के लिए है। अब मेरे को बनाना है क्रशर, क्रशर इसके पास में बनाऊं। मैं क्रशर इधर बना देता हूँ, ये वेस्ट जगह है वैसे भी। तो मैंने एक क्रशर बना दिया। अब मेरे को हॉट स्प्रिंग बाथ बनाना है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है यूनिकॉर्न, इसको चाहिए रेस्ट के लिए हॉट स्प्रिंग। इधर मैंने बना दी हॉट स्प्रिंग, और हॉट स्प्रिंग के लिए लगने वाली थी पाल फ्लूट। ये मिलता है वाटर पोकेमोन को मारने से, आइस वाले। ये डक को मारने से मैंने जमा की थी। इसमें इनका रेस्टिंग का काम है सिर्फ। और वो वाला जो है वो क्रशर है, पत्थर और लकड़ी को क्रश करके वो कुछ फाइबर और पोकीबॉल बनाने के काम आता है। और मेरे पास दो शाइनिंग पोकेमोन, एक पोकेमोन तो मेरे को इधर ही पर ही मिल गया था पास में ही, एक पोकेमोन मैंने 12 फायर पॉक्स को मारा था तो मेरे को मिली। ये रहा फर्स्ट मेरा शाइनिंग पोकेमोन, इसका साइज़ बढ़ा है, खाली साइज़ बढ़ा, बाकी कुछ नहीं है, सेम है। एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है इसमें। और मेरा दूसरा पोकेमोन है जो सो रहा है अभी शाइनिंग। इसमें लक है, लक खुलेगा तो अटैक एंड वर्क स्पीड 15% है। दूसरा ये है डैमेज डिक्रीज कर देता है। और दूसरा शाइनिंग पोकेमोन मेरा कहाँ गया, ये रहा। इसमें भी लक है, वर्क स्पीड अटैक हंग, इसका खाने का 15% कम खाता है, ये काम ज़्यादा करता है। तो ये फार्मिंग वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हैंडिंग मतलब मेरी मदद करेंगे हैंडिंग वर्क में। शाइनिंग पोकेमोन में यही दो चीज़ है, लक हमेशा सब में मिलेगा। शाइनिंग पोकेमोन में जो भी पकड़ोगे उसमें लक हमेशा रहेगा। अब मेरे को क्या बनाना है, पोकेमोन बॉल। तो मेरे पास 22 बॉल है, तीर की ज़रूरत है, तीर के लिए मैं इसमें लगा देता हूँ। एक पोकेमोन पे काम पे भी लगा देता हूँ। मेरे पास वुड बहुत है, 100 वुड ले लेता हूँ और इनको को लगा देता हूँ। ये रिपेयरिंग टेबल है जो मैंने बना ली थी, रिपेयर कर लेते हैं। मेन इस गेम में वुड स्टोन आयरन इधर पे है। और ये 2 दिन में आपको वापस मिल जाता है, आप तोड़ोगे वापस से ये जिस जगह पे माइन है उसी के आसपास वापस आ जाएगी। तो मेरी स्टोन की है, वुड की है, आयरन की है। आयरन का भी इतना यूज़ नहीं आया है। अब मेरे को क्या ओपन करना है 12 पॉइंट में से, मेरे को अभी वेट करना है एक 10 पॉइंट का। और ये चूल्हा बनाना है, उसके बाद में 3-शॉट बो बनाना है। इसके लिए फाइबर भी है, फ्लेम मेरे पास 6 हैं। ये मैंने जो मारे थे वुल्फ मारे थे फायर वाले, वो है। अब मेरे को आगे जाके कुछ नया लाना है, तो मैं जाता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। खाना मेरा ख़राब हो रहा है, हंगर। पकाने से मीट थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, और बिना पका हुआ खाओगे तो कम हंगर
मिलेगा। तो गाइस मेरे को जाना है इस एरिया में, ये एरिया मैंने देख लिया था, ये एरिया में थोड़े पोकेमोन देख लेता हूँ। ये रहा नीचे, इसको भी एक ले लेता हूँ, मेरे को ज़रूरत है अभी। मेरे पास एक है और एक और हो जाएगा तो ये वुड अच्छा निकाल देगा। इधर पे मेरे को मिला था दूसरा मेरा शाइनिंग पोकेमोन, इसी जगह पे वो आया था और मैंने अभी लिया था, तो अभी तक वुल्फ वापस जिंदा नहीं हुए हैं। तीर को लगा लेता हूँ, वो भाग के जाएगा कहाँ, या तो मैं इसको मारता हूँ, नहीं इसको नहीं मारूंगा, इसी को वापस पकड़ता हूँ। इसके दो ही अटैक है, एक तो सींग से मारता है, दूसरा भाग के आता है, पकड़ में आ जाएगा ये। बस बस बस, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, पोकी बॉल, यस। ओ भाई इसने वापस मेरे को मार दिया, इसका यही है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैंने वुल्फ फॉक्स वाले से पकड़ा था, वुल्फ नहीं, मेरे को इसको भी पकड़ना है मगर अभी नहीं। ये रहे फॉक्स इधर पे, मेरे को मगर ऊपर मिला था वो। पोकीबॉल फेंक फेंकते समय ध्यान रखना है कि पोकीबॉल को जल्दी से अंदर रख दो लास्ट में, नहीं तो उसको मार देगी वो, फिर पकड़ में नहीं आएगा। इधर दो फॉक्स और हैं, ब्लड कम हो गया मेरा, ऑफिस घर पे जाना पड़ेगा मेरे को। लेवल 10 हो गया, मैं घर पे जाके आता हूँ। तो मैं इधर ही वुल्फ फार्मिंग कर रहा था या फॉक्स फार्मिंग, तो मेरे को मिल गया था लेवल नहीं शाइनिंग पोकेमोन। तो गाइस लेवल 10 हो गया है तो मेरे को कुछ ओपन करना था, मैं ओपन कर लेता हूँ। न्यू बो के साथ में जाऊंगा मैं, अब कैप है, कैप भी बना लेता हूँ, किले भी चाहिए। ये फ्लेम के लिए है या आइस के लिए है, तो सबसे पहले बिल्ड करना है। का काम है आयरन बनाना, आयरन ओर से आयरन, तो इसको रखो काम है। ये मेरी क्राफ्टिंग टेबल है, इधर पे मैं बहुत सारे बॉक्स बनाऊंगा, इधर पे बना देता हूँ। ये 5 लोग मेरी मदद करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, अब मेरे को इसके अंदर रखना है। अच्छा ये वुड से कोयला बना देता है और से आयरन मैटेरियल, और क्या बनाता है मगर ये
मैक्स कर देता हूँ। ओके, तो एक से कितना बनाता है ये? 10 चाहिए इसको। अब इसको चाहिए वुल्फ, मेरे पास है ना वुल्फ आग लगाने के लिए। भाई तू जा, ये ना मेरा शाइनिंग पोकेमॉन दूसरा। जब तो ये काम ये करता है, मैं दूसरा कुछ बना लेता हूँ। क्या था वो? तीर था। तीर किससे बनेगा? नहीं, तीर नहीं था। नहीं, तू भी इसको क्यों उठा लिया मैंने? अरे यार, फिर आ गया ये। दूसरा क्या बनाना था मेरे को? पान बन चुका है। इनकी अभी जरूरत नहीं है, बॉक्स की जरूरत है, चेस्ट बॉक्स। ये बनने के बाद मेरे को इसके पास में ही रखना है सब सामान। एक चेस्ट बॉक्स इधर भी बनाऊंगा। मैं 100 तीर की जगह मैंने 300 तीर कर दिया, क्योंकि एक तीन मिलते हैं एक में। तो मेरे पास वैसे भी तीर बहुत सारे नहीं हैं। जमा कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को बनाना है न्यू बो। इधर गया अभी तू, तू बना न्यू बो। और मेरा लेवल अप कर लेता हूँ, लेवल अप। तो बेस का लेवल हो गया है 8, और डे भी 8 हो गए हैं मेरे। डे भी इसके हिसाब से ही चलते हैं। अब मेरे को आठ चाहिए, आठ सात है मेरे पास ना काम करने वाले। मेडिक बनानी है, क्वालिटी वर्क बेंच बनानी है। ओपन हो गई होगी? नहीं, हाई क्वालिटी वर्क बेंच ये है, मेडिक ये है, तो लेवल 12। एक बिस्तर और बनाना है। इधर चले गए ये, तो ये 11 हो गई। इसको ले लेता हूँ। और किधर गया ये? आयरन मैंने जमा कर लिया, आयरन को रख देता हूँ। स्टोन स्टोन में रख देता हूँ, बहुत लंबा पड़ता है यार जगह। क्रशर के पास में एक और बॉक्स बना देता हूँ। तो गाइज, मेरे घर के पास में ये है ड्रैगन पोकेमॉन, तो मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इस पे फायर का यूज़ करता हूँ। नहीं, फायर वापस आ जा। ये शाइनिंग वाला नहीं लग रहा है मेरे को। मेरा शाइनिंग नहीं, शाइनिंग का लेवल कम है, सॉरी। तो मैं इसी से यूज़ करता हूँ। तो एक ग्रास टाइप है, तो सर फायर का सब जल्दी होगा। तीन तीर मार रहा है, तो बहुत शीट बचना है मेरे को इससे। तो मैं दूर से मारता हूँ इसको। पोकेमोन की जगह मैं ये वाला पोकेमोन यूज करता हूँ, क्योंकि तो ये दोनों सेम लेवल के हैं आगे पीछे। नहीं, अब मेरे को दूर रहना है। ओ, त्रिये क्या था? ओह, मार दिया मेरे को। तो ताइस दोस्त मैं मर गया था, तो वापस से मैं तैयार होता हूँ। तीर है, धनुष है, सब है।
क्या हुआ इसमें, मेरा ड्रेस का आर्मर भी है। तो भाई पोकेमोन वापस आ जा तू बाहर। तो इसको मैंने मारा था तो थोड़ा ब्लड उसको वापस से कम ही है। पकड़ में आ जा। यस यस फाइनली मैंने पकड़ लिया। तो गाइस फाइनली बड़ा पोकेमोन आ गया लेवल 16 का। इधर गया ड्रैगन, ये रहा। वो भाई इसकी भूख कितनी, खाना खाने के लिए इसको कितने चाहिए, प्लांट और लकड़ी। तो एक पोकेमोन और ऐड हो गया, मैं इसको घर पे ही रख देता हूँ। लकड़ी वाला मेरे पास में है तो मैं इसको इधर ही रखता हूँ, इसका लेवल ज्यादा है। ये भी मेरे को चाहिए। फॉक्स निकाल देता हूँ, फॉक्स की जगह इसको रख लेता हूँ। तो गाइस ये भी न्यू पोकेमोन है, मैंने नहीं पकड़े हैं तो मैं इनको भी पकड़ लेता हूँ। ये मेरा शाइनिंग पोकेमोन। लेवल 8 का है इसके लिए उसको ज्यादा लग रही है। इसको मार देता हूँ, इसको पकड़ता हूँ। जरूरत नहीं है, हो गया है, एक बार में तो आएगा नहीं ये। आजा पकड़ में आजा। आर्मर मेरा डैमेज हो गया है, रिपेयर करना पड़ेगा। यस तो ये भी मेरे को मिल गया। अब मेरे को फ्लाइंग वाला, इसके बाद मैं फ्लाइंग वाला पकड़ूंगा। इधर में आ गया, इधर एग है। अभी एग मशीन मेरे पास है नहीं तो एग जमा करके मतलब नहीं, मेरे को वहाँ पे वापस मिल जाएगा। वो नॉर्मल है। ये डक वाले हैं भाई, इनकी जरूरत है। सामने केव है, ये डक वाले हैं, इनकी जरूरत है। भाग मत, क्योंकि मेरे को इनका फल फ्लूट चाहिए। एक नया पोकेमोन आ गया। आजा आजा। चेस्ट बॉक्स, ब्लड मेरे पास कम है इतना। मेरे को वो पोकेमोन चाहिए, वो पोके बॉल बनाता है, बाद में पकड़ता हूँ मैं इसको। ये वाला पोके बॉल बनाने वाला पोकेमोन है, पर इसने तो मार दिया। भाई तुम दो स्ट्रांग हो यार, वो रहे दो।
इनको मेरे को खुद को पकड़ना पड़ेगा। ओके, एक पकड़ में आया। पिक्सी का काम है तीर बनाना और पोकेमोन बॉल बनाना। ये एग है, अभी एग की मशीन ओपन नहीं हुई है, इसके लिए मेरे को चाहिए पॉइंट। जब ये काम में आएगी तो एग तो मेरे को मिलते ही रहेंगे, और ये नॉर्मल एग्स हैं तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, कॉमन है। रियर होता तो ठीक था। चेस्ट बॉक्स एक नीचे है। फिक्सी फिक्सी मेरे को 10 करने हैं। मर गया। तो गाइस मैं नए जो पोकेमोन लाया था दो, इनमें से अच्छी क्वालिटी के देख लेता हूँ। इनमें से एक ये अच्छी क्वालिटी का है, इसको निकाल के इसको रख देता हूँ। इसको हटाऊँ, ये एग दे रहा है, इसको हटा नहीं सकता। माइनिंग है, मंकी को निकाल के इसको लगा देता हूँ। इन तीनों को मैंने इसमें रख दिया। अब अपना लेवल अप कर लेते हैं। क्या ओपन करना था? एक हाई क्वालिटी वर्कबेंच, मेटल मेटल एक्स। नहीं, इसको ओपन नहीं करता ये। मैं देखो फ्लाइंग ओपन करना है इनमें से। फ्लाइंग अभी मैंने पकड़ा नहीं है तो आया नहीं है। शील्ड शील्ड बनानी है मेरे को। मैंने ये भी नहीं बनाया, पैराशूट पैराशूट बना लेता हूँ, रख देता हूँ, कोई ना कोई बना लेगा। कील चाहिए, कीलें चाहिए इसके लिए। हो गया इसका काम, नहीं हुआ, छोड़ के भाग गया बीच में से। तो पैराशूट बन गया है, काम भी करने लग गया। किले बना लेते हैं, 11 किले ठीक रहेंगी। मगर इसको ये पोकेबॉल दी थी इसने, तो मेरे को पोकेबॉल अब बनाने नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर 2-3 और डाल दूंगा तो मेरे को 3-3 मिलती रहेगी पोकेबॉल। इसकी जरूरत रहेगी मेरे को मैक्स। आयरन पूरा खत्म हो जाएगा, आयरन नहीं खत्म करना, आयरन नहीं सॉरी पत्थर खत्म हो जाएंगे। इसको इसमें ही रख देता हूँ, क्लोथ इसमें ही रख देता हूँ। गाइस वर्क बेंच के लिए कीले बन गई थी, अब इसको किधर लगाऊं? ये भी वर्क बेंच है, ये भी वर्क बेंच है। इसको इधर लगा देता हूँ क्योंकि इसको आयरन की जरूरत रहेगी। तो मैं ये चीज़ें बना के जा सकता हूँ, दो दो वर्क बेंच हो गए। इधर लगा के सामान चले जाने का, तो ये लोग बनाते रहेंगे।
तो भाई इसमें मेरे को तीर भी मिल गए और पोकी बॉल भी मिल गई। वेस्ट चीज़ को मैं इसमें डाल देता हूँ जो मेरे यूज़ में नहीं है। चार पोकी बॉल मिल गई। बस इनको निकालना पड़ता है आके यहाँ पे, यही प्रॉब्लम है। ऑटोमेटिक नहीं है। स्टोन भी जमा हो गए हैं। वुड भी, तो मेरा बेस अभी अच्छा हो गया है। अब आगे का लेवल देखता हूँ क्या है। मेडिक बनाना है मेरे को और नई आर्मर बनाना, नया नया आर्मर। तो गाइस मैंने इसका पॉइंट ओपन कर दिया, अभी इसको क्राफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्राफ्ट होता है। मेरा ये बन गया, अब मैं देखता हूँ कहाँ गया। ओके बाहर आ जा। हगी हगी को देखते हैं क्या काम आता है। आ जा हगी। तो गाइस मैं बंदूक बन गई क्या इसकी। ओके फायर, और थोड़ा टाइमिंग है, इसको भी मार देता हूँ। तो लेवल अप हो गया। ओके तो ये इनकी पावर है मेन। तो गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में मेरा लेवल अप हो गया है तो ब्रांच बन चुकी होगी, उसको ओपन कर लेता हूँ मेडिक वाली। और मंकी की पावर भी देखूंगा मैं क्या है। आर्मर बन रहा है, नाइफ बन रही है, मीट क्लेविंग। इसका ये राइडिंग के लिए होगा तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। राइडिंग राइडिंग पहले ले लेते हैं। ये कौन सी बुक मिली मेरे को। अच्छा ये बुक मिली है और मेरे को बनानी है बेंच। किधर गई। तो मेडिक बेंच भी मैंने बना लिया, इसको भी इसके पास में रख देता हूँ। मेडिक बेंच बनते मेरा लेवल भी अप हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो आगे के कई नए मॉन्स्टर पकड़ेंगे।